हाय गाइस, मैं अर्शी और आज आपके साथ रिव्यू करने वाली हूँ मैं एक स्टील के फ्राइंग पैन की। काफी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि स्टील के फ्राइंग पैन में खाना चिपक जाते हैं, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन दूर होने वाले हैं, क्योंकि मैं एग्जांपल के साथ आपको दिखाने वाली हूँ। साथ ही मैं अनबॉक्स करूंगी मैं एक सर्विंग बॉल, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, काफी प्रेजेंटेबल है और आपके डाइनिंग टेबल के शोभा को तो ये बढ़ा ही देगा। तो सबसे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं सर्विंग बॉल। मैंने ये ऑनलाइन परचेज किया है और इसकी पैकिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छे से पैक किया हुआ था, टूटने के कोई चांस नहीं है। ऑनलाइन मुझे ये अप्रॉक्सीमेटली 1000 का आ गया और आपको ये पेयर में रिसीव होंगे, मतलब एक साथ आपको दो मिल जाएंगे 1000 में। क्वालिटी वाइज ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बोन चाइना मटीरियल है, लेकिन आप इसको सर्व कर सकते हो, गैस स्टोव पर मत चढ़ाना नहीं तो ये टूट जाएगा। और हैंडल जो है इसका वो वुडन है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। साइज़ की बात करो तो नीचे डाया जो है 15 सेंटीमीटर, ऊपर 16 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर की है, यानी काफ़ी अच्छा सफिशिएंट साइज़ है ये सर्व करने के लिए। हैंडल में आपको एक शाइनिंग सा कुछ दिख रहा होगा, ये अच्छा सा शाइन है इसके अंदर में, एक दो बार मैंने वॉश किया है लेकिन ये शाइन नहीं गया अभी तक, मतलब ये चलेगा, टिकाऊ है। तो ओवरऑल मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा, अगर आपको भी पसंद है तो लिंक मैं बेशक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं मुद्दे की, वो है स्टील का फ्राइंग पैन। हॉकिंस का है ट्रिपले स्टील फ्राइंग पैन, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। 22 सेंटीमीटर का डाया था इसका और जो इसमें लीटर में देखा जाए तो 1.5 लीटर का ये फ्राइंग पैन है। सीरियसली मैंने सोचा था कि ये थोड़े बड़े साइज़ में आएगा, बट ये काफ़ी छोटे साइज़ का है। बहुत कम चीज़ इसमें आप बना सकते हो, बहुत कम अमाउंट में आप इसके अंदर में चीज़ बना सकते हो, बट क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि मैं इसे वापस नहीं कर पाई। यहाँ पर डू नॉट यूज़ हाई हीट, मतलब इसमें कुछ कॉशंस हैं, 5-6 पॉइंट्स हैं, आप इसको पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा इस पैन को यूज़ करने से पहले, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। बहुत से लोग जो कंप्लेन करते हैं कि मेरे पैन में सब्जी जल रही है, बन नहीं रही है, वो कॉशंस नहीं पढ़ते हैं। अगर आप ये कॉशंस पढ़ लोगे तो आई एम श्योर कि आप भी इसमें अच्छे से कुकिंग कर पाओगे। यहाँ पर अगेन मैं बता देती हूँ, 22 सेंटीमीटर का फ्राइंग पैन है, 1.5 लीटर की कैपेसिटी है इसकी। और अब मैं चलो इसको हम खोल कर भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर दिख रहा है इंस्ट्रक्शन मैनुअल। किसी भी चीज़ को जब आप ख़रीदो तो इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़ा करो, उसको यूज़ करने का तरीका होता है जो कि पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। साथ में हमें यहाँ पर मिल जाएगा वारंटी कार्ड और अब हम देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पर एक स्क्रबर मिल रहा है आपको, यानी कि लोहे का स्क्रबर आपको यूज़ नहीं करना है। स्पैचुला भी वुडन है, यानी कि आपको स्टील का स्पैचुला यूज़ नहीं करना है। और तो चलो फाइनली अब हम देख लेते हैं पैन का लुक। तो पैन का लुक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लुक वाइज भी अच्छा है, वेट भी काफ़ी है इसका, अच्छा वेट है। और इंडक्शन बॉटम है, यानी नीचे से स्टील है तो ऑब्वियस है इंडक्शन पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। लिड भी आप देखें तो लिड आपको ग्लास लिड मिल रहा है और जब आप इसको कवर करोगे तो बहुत अच्छे से ये पैक हो जाता है। तो मुझे ओवरऑल दोनों चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। बॉटम में भी आपको वही सब कुछ दिख रहा है, 3 mm का थिकनेस है इसका, ट्रिपल स्टेनलेस स्टील का। और आपको अगेन डायामीटर दिखा रहा है यहाँ पर, 22 सेंटीमीटर का है और आप देख सकते हो ओवरऑल, आप लुक खुद ही देख लो। इसके आगे मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाऊंगी कि मुझे कैसा लगा यूज़ करने के बाद ये। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी सबसे टिपिकल सब्जी, जो कि है भिंडी का भुजिया या भिंडी की सब्जी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, बहुत कम डाला था, 2-3 टेबलस्पून ऑयल डाला है और भिंडी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। आप देखोगे कि भिंडी बिल्कुल भी इस पैन में चिपकी नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको भिंडी कहीं पर भी चिपकी हुई नहीं देखी होगी। हम लोग कितने भी अच्छे पैन का यूज कर लेते हैं, अगर वो नॉनस्टिक नहीं है तो भिंडी चिपकती ही है, तो ये एक बहुत अच्छा प्रूफ है। साथ में मैंने टमेटो भी डाल दिया कुछ गीला करने के लिए ताकि चिपके इसके अंदर, लेकिन फाइनली फिर भी नहीं चिपकेगा इसके अंदर कुछ भी। मैंने इसके ऊपर थोड़े से मसाले वगैरह छिड़के थे, लेकिन आप देख सकते हो रिजल्ट कितना अच्छा मिला है। आपको जो कन्फ्यूजन है कि सब्जी चिपकेगी, तो आप सोच लो कि बिल्कुल भी सब्जी नहीं चिपकने वाली, कितनी अच्छी सी सब्जी बनकर रेडी हो गई है इसमें। और फाइनली आप बेस देख सकते हो, ये थोड़े बहुत मसाले इधर उधर लगे पड़े हैं जो कि इजिली निकल रहे हैं, अदरवाइज इसमें चपका कुछ भी नहीं है। तो एक प्रूफ तो मैंने आपको दे दिया कि सबसे टिपिकल सब्जी जो होती है भिंडी,
वो भी आप इसमें इजीली बना सकते हो, तो कुछ भी बना सकते हो। सेकंड होता है पनीर। पनीर को हम किसी भी बर्तन में फ्राई करते हैं, वो नीचे चपक ही जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख लो मैं कितना लेस ऑयल यूज़ करूँगी। थोड़ा सा मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है, इसको ग्रीस करूँगी मैं और इस रिफाइंड ऑयल को मैं वापस निकाल लूँगी क्योंकि मैं इसके अंदर ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करने वाली। तो मैंने सारा ऑयल निकाल लिया, बहुत थोड़ा सा लगा है इसके अंदर में ऑयल। अब हम इसी के अंदर में फ्राई करेंगे पनीर को और आप देखोगे कि पनीर अच्छे से कलर आएगा चारों साइड से, लेकिन थोड़ा सा भी आपको कहीं पर भी चपकता हुआ नहीं देखेगा। इससे ज़्यादा प्रूफ आपको क्या चाहिए कि अगर आप अच्छी क्वालिटी का स्टील का फ्राइंग पैन या कढ़ाई लेते हो तो आप खाना बिल्कुल आराम से बना सकते हो, आपको नॉन स्टिक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देख लो पनीर कितने अच्छे से फ्राई भी हो गया और आप देख सकते हो कि इसके अंदर कुछ चपका भी नहीं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपके सारे कन्फ्यूजन हो गए होंगे दूर। आप इस तरह के अच्छे क्वालिटी का पैन बेशक खरीद सकते हो, नॉन स्टिक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इन दोनों प्रोडक्ट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि ये जो फ्राइंग पैन है बहुत ही छोटे साइज़ का है, ये 2 से 3 लोगों के लिए भी शायद ही इसके अंदर खाना बन पाए, तो आप थोड़े बड़े साइज़ का शॉप करना, परचेज़ करना। और मैं इस तरह के काफ़ी सारे रिव्यूज़, कुकिंग और अनबॉक्सिंग के वीडियोस लाती रहती हूँ, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कीजिए, पर्सनलाइज के ऊपर ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए ताकि मैं जब भी कोई इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, बाय बाय।